फ्रेंड्स, आज जो आप वीडियो देख रहे हैं या जो प्रोडक्ट का वीडियो आप देख रहे हैं वो है जेब्रोनिक्स का 9801 मॉडल। वीडियो बनाने का पर्पस तो आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक जानकारी देता ही हूँ, थोड़ा बहुत मैं साउंड ट्रैक के बारे में भी प्ले करूंगा। और रहा सवाल फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को आप फॉलो जरूर करिएगा। वीडियो बनाने का पर्पस आपके लिए है कि क्वालिटी के बारे में बताएंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड, काफी टाइम से लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी टिंकू भाई टच वाला सिस्टम आए, बेटर रहे। और रहा सवाल मतलब कि अगर आपको ये लेना हो, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, आप मुझसे भी ले सकते हो। तो मेरा जो परचेज का जो लिंक होगा वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे संपर्क करना है, तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने अपना व्हाट्सअप भी नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ और अन्य परचेज लिंक भी। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए प्रोडक्ट के बारे में बात करें। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, जेब्रोनिक्स एक ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। और इनकी जो इंडिया के में नेशन, जो हमारा नेशन है, वहां की जो मतलब काफी सारे इनकी ब्रांचेस भी हैं और अच्छी प्रेजेंस है, कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी ये जो प्रोडक्ट आता है एक साल की वारंटी में आता है, टावर स्पीकर और बाकी जहां तक मेरे को नॉलेज है एसेसरीज, रिमोट कंट्रोल, वो सब टेस्टिंग वारंटी में आती है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर माइक में, रिमोट में, तो आपको सर्विस सेंटर जाना होता है। रहा सवाल आपके टावर में, और टावर में प्रॉब्लम आती है तो ये ऑन साइड वारंटी भी देते हैं, और जो वारंटी भी होती है वो एज पर जेब्रोनिक्स पॉलिसी के अनुसार होती है। फ्रेंड, ये टच के अंदर है। इसमें फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें HDMI का पोर्ट है, डिजिटल ऑप्टिकल का पोर्ट है, कोएक्सियल का पोर्ट है, ऑक्स का पोर्ट है इसके अंदर देखा जाए। और फीचर्स में अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ का फीचर है, आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। पेन ड्राइव की जो मैक्सिमम जो सीमा है वो 32 GB तक है, मतलब 32 GB तक की पेन ड्राइव इसमें लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। और अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाना है, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। टच में है, ब्लूटूथ, FM, AUX, ये सब तो कॉमन फीचर है। बढ़िया। रहा सवाल इसके बेस की, मैंने उसको पहले वीडियो बनाने से पहले इसका जांचा, परखा, समझा, तो मेरे को इसकी बेस की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। इसमें आप कभी भी काम यूज करिएगा, जब भी यूज करना है ना, आपको थोड़ा डिस्टेंस में रख लीजिएगा, नंबर वन। सेकेंडरी, दो वायरलेस माइक आते हैं, अगर आपको सिंगिंग करनी है कैरोके कंपैटिबल है। और बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आपने डिस्टेंस बना के रखना है, नहीं तो अगर आप सामने सिंगिंग करने लगेंगे तो विसल साउंड आएगी, तो उसमें अपोजता है कि आपके गाना गाने में बाधा हो। 6-7 मीटर का डिस्टेंस रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 6-7 मीटर का, और फिर आप सिंगिंग करिएगा। तो बाकी रहा सवाल थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में दिखा देता हूँ, आप देखिएगा और अपने बारे में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, अपना फीडबैक जरूर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं, टच का ऑपरेशन है, इनपुट ये देखा दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। इन्होंने क्या किया कि टच में दिया हुआ है इंटरफेस, कोई बटन नहीं दिए हुए। तो ये स्टार्टिंग में स्टैंड बाई मोड पे होता है, इनपुट पे स्टैंड बाई आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाना है, पेन ड्राइव लगाओ, मेमोरी कार्ड लगाना है, मेमोरी कार्ड लगाओ। अब इसमें जो सबवूफर साइज की हम बात करें, तो इसमें जो सबवूफर का साइज है वो है 10 इंच का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ना मिड रेंज का स्पीकर है अच्छी क्वालिटी का, वो 4 इंच का है। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1.5 इंच का ट्विटर लगा हुआ है। बाकी मेरे को उसकी बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मेरे साथ जो कैमरा मैन है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा बीच में कि वो क्या करेंगे, ट्रैक प्ले करेंगे आपके लिए। थोड़ा बहुत मैं साइड का इंटरफेस दिखा दूँ फ्रेंड, ये देखिए, ये वॉल्यूम का है, ट्रेबल, बेस, इको की एडजस्टमेंट, और ये देखिए माइक वॉल्यूम, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और दो माइक आपको सेपरेट लगाने हैं ना, वायर्ड वाले, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दो माइक आप लगा सकते हो। दैट्स मीन दो वायरलेस माइक साथ में आते हैं, दो वायर्ड माइक आप लगा सकते हो, एट अ टाइम 4 माइक काम करेंगे। पीछे का इंटरफेस दिखाऊं, ये देखिएगा, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, आपका आर्क का पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे FM एंटीना केबल लगती है, ऑडियो इनपुट, ये और ये इसे ऑक्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक केबल जो फ्रेंड यहाँ से आ रही होती है, जो कि आपको यहाँ पे लगानी होती है। और फ्रेंड रहा सवाल, ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। तो अभी ये 2022 मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एसेसरीज मैं दिखा देता हूँ, एसेसरीज में क्या क्या आता है। पहले तो आप देख लीजिए, ये RCA जो स्टीरियो केबल दी हुई है फ्रेंड, ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, और ये बार कोड के रूप में दिया, मतलब IMEI से स्कैन कोड में दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है 9801 मॉडल। तो बाकी ये है, एक काम करूँगा मैं ना, साइड पे एक QR कोड की भी इमेज डाल दूँगा, ताकि आपके संज्ञान के लिए इजी रहे। तो और रहा सवाल, ये देखिए, RC to RC केबल भी आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक इस प्रकार का ना फ्रेंड रिमोट कंट्रोल आता है, ये देखिए,
पावर ऑन ऑफ का बटन है, इनपुट सेव, इक्वलाइजर का ऑप्शन है, म्यूट का ऑप्शन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन है, और ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब रहा सवाल फ्रेंड, FM की केबल आपने देख ली, RC टू RC केबल देख ली, RC स्टीरियो केबल देख ली, QR कोड का भी बता दिया। इसमें आते हैं दो वायरलेस माइक। तो फ्रेंड मैं आपकी इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको बता देता हूँ। ये है माइक वन, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें 261.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं रिपीट कर देता हूँ, 261.8 मेगाहर्ट्ज़ है माइक वन की। और फ्रेंड इनमें ना बस बैटरी सेल वगैरह नहीं आते, आपको अलग से डालने पड़ते हैं। तो मैंने चेक करने के लिए दूसरे माइक में ऑलरेडी बैटरी डाल दी थी। तो फ्रेंड इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी है 239.4 मेगाहर्ट्ज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 239.4 मेगाहर्ट्ज़। तो आपको फ्रेंड संज्ञान हो गया, नॉलेज होगी क्या क्या एसेसरीज आती हैं, और प्रोडक्ट का मैंने ड्राइवर साइज बताया, और कितनी GB तक की आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल BT का जो वर्जन है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है तो वो है 5। तो मैंने कोशिश करी देखो थोड़ा बहुत ड्राइवर साइज के बारे में बताने के लिए, और साइड की जो नॉब्स हैं वो बताया मैंने आपको। और बाकी एक प्ले ना ट्रैक प्ले कर देते हैं, कैमरामैन एक ट्रैक प्ले। फ्रेंड हमने आपके लिए ट्रैक प्ले किया, अगर आपने बात नोट करी होगी, ठीक है, इसका जो बेस है वो काफी पंची है, तो मुझे इसका बेस बड़ा कमाल का लगा। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट चॉइस में आता है। अगर आपको लेना हो तो मैंने परचेज का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा होगा, आप वहां पे भी जाके इसको परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है ना उसका नाम है tulipsmile.com, TULIP tulipsmile SMILE.com। आप tulipsmile.com पे भी जाके इसको परचेज करना चाहे कर सकते हैं। मेरी शिपमेंट दिल्ली से जाती है ऑल ओवर इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैं देता हूँ। आमतौर पे हम 10% एडवांस लेते हैं, रिमेनिंग जो 90% होता है वो डिलीवरी के टाइम पे। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, जो भी है स्कैन के थ्रू भी अगर आप पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। अब रहा सवाल इसकी बिल्ड क्वालिटी का, मैं आपको बता दूंगा, ये कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आइए जरा। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी, फिनिशिंग भी काफी प्यारी लगी मेरे को। अगर हम देखिए, ये देखिए इसको मैं नौ, ये देखिए, तो इसकी जो प्लाईवुड की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। और बाकी थोड़ा इसकी अगर हम बात करें, ये देखिएगा, ये देखिए चौड़ाई देखिए ना कितनी प्यारी है। तो जबरॉनिक्स ने देखो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये बात तो सच्ची है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और बाकी रहा सवाल, अपने वेंडर्स का तो ध्यान रखते ही हैं, अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखते हैं। और इनकी एक अच्छी बात क्या है कि ये फीडबैक हो ना, ये फीड फॉरवर्ड में काम करते हैं। अगर आपको TV साथ कनेक्ट करना है ना फ्रेंड, ये जो 9801 है आप HDMI पोर्ट के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। आप पार्टी लवर हो, बेस अच्छा चाहिए तो आप ले सकते हो, आपको ऑफिस के लिए चाहिए, आपको अपने घर के लिए चाहिए, मल्टीपर्पज में काम आएगा। सिंगिंग करनी है आप सिंगिंग सेशन भी कर सकते हैं। आपका जिम है, जिम के लिए सोच रहे हो कि एक अच्छा सा स्पीकर मिल जाए तो मजा आ जाए, आप प्लान कर सकते हो। बजट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट काफी मुझे अच्छा लगा, प्लाईवुड क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। मल्टीपल कनेक्शन ऑप्शन है, जैसे आपको पता है अपने HDMI पोर्ट का, ऑक्स के जरिए FM भी ऑप्शन भी है, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, और कोएक्सियल का ऑप्शन है, ऑप्टिकल का ऑप्शन है, और क्या चाहिए। फीचर्स काफी लाजवाब हैं, RMS इसकी 120 वॉट है। मेरा पर्पस था आपको जानकारी देना, वो पूरा हुआ।
तो मैंने कोशिश करी आपको जानकारी देने की। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। हो सके तो ये वीडियो फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा आपके लिए मैंने वीडियो बनाया वो आपको कैसा लगा। और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और tulipsmile.com को मौका जरूर देना। भारतीय ई कॉमर्स वेबसाइट है, भारतीयों को मौका जरूर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट इंटरनेशनल साइट से ही लेना है, tulipsmile.com को भी मौका आप दे सकते हैं। जो भी वेल एस्टेब्लिश इंडियन साइट्स हैं उनको भी आप मौका देने की कोशिश करा करिए। फिलहाल मेरा पर्पज था प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देना, वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। तो आई होप यू विल लव दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।